1947 जब हमारा देश आजाद हुआ और हमारी स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों को बोला, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली टिकट निकाल और भाग उधर। जिसके बाद हमने सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की। कभी हमने चांद पर पहुंचने का प्रयास किया पर हम असफल रहे, लेकिन हमारे देश के लौंडों ने हार नहीं मानी और वो चांद को ही धरती पर ले आए। तो कभी हमारे देश की महिलाएं ओलंपिक में गोल्ड लेके आई, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे देश की गोपी वो विश्व की ऐसी पहली महिला बनी जिन्होंने लैपटॉप को पानी और डिटर्जेंट से क्लीन किया। लेकिन अभी भी हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे देश को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो सकल से ही लगते हैं स्मोकर्स, और इन भोसड़ी वालों को हम बोलते हैं टिकटॉकर्स। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऐसे प्राणी हैं जो गाने पर लिपसिंग करने और सकल पर 2 किलो मेकअप करने को भी टैलेंट कहते हैं, और इनके ऐसे ही टैलेंट को देखकर कोई भी कुत्ता आके मुंह पे मूंद के चला जाता है। लेकिन इसके बाद भी ये अपने आप को स्टार समझने लगते हैं, पर हैं ये एसईएस में एक नंबर के छाटू। तो आज हम ऐसे ही लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने बकचोदी में सारी हदें पार कर दी हैं। जब बचपन में खेलते टाइम गोटियों में बॉल लग जाती थी तो बहनचोद ऐसी शक्ल बनती थी। भास्कर भाई इतना जोर मत लगा, नहीं तो गोटे मुंह से बाहर आ जाएंगे। हमें पता है तुझे बाबा सिर गांड की जगह शकल में हो गया है। अगर कभी सबसे बुरी थूथ बनाने का कंपटीशन हुआ तो पहला अवार्ड इस चूतियों को ही जाएगा। कसम से अगर तुम लोग कोई मिल गया कि जादू को नंगा करके भी देख लोगे तो इसकी शकल से ज्यादा खूबसूरत लगेगा। और बाल देख रहे हो भाई के, ऐसा लग रहा है जैसे अजय देवगन पे मलखा के पर्सनली इसी के बालों में थूकता है। बोलो सुबह की श्री। अबे हटा भौतरी की बात। अब अकेला चलने लगा तब समझ में आया कि मैं भी आधा चोर हूँ जो इसमें आया। तुम लोगों को पता होगा कि हमारे पूर्व आजादी मानव थोड़े गांडू मानव हैं। जब इंसान मुठ मार कर खुद उसका सेवन कर लेना तो फिर वो ऐसी बकचोदी करता है। और इस चूतिए के दो ही काम है, दिन को सर में झाड़ू लगाकर चोर बनता है और रात को उसी झाड़ू को गांड में लगाकर मोर बनता है। अरे कोरोना वायरस से पीड़ित इंसान, इतनी ज्यादा ही बकचोदी मत करो कि तुम्हारी चूतियापों को देखकर यमराज को ऊपर से नीचे कर तुम्हारी गांड मारनी पड़े। भोसड़ी का साला कुछ भी करता है, लौड़े का बाल। क्या बात राजा उदास के, क्या बताओ यार, मेरी माँ ने उसकी गली से जाने से मना किया। तो मत जाना यार, माँ से बढ़के तो नहीं है। अरे बात वो नहीं यार, मेरा घर से निकलना बंद हो जाएगा। वो कैसे? अब मेरी माँ को कौन समझाए, हर गली में उसकी एक बहू रहती है, हर गली में उसकी एक बहू रहती है। चल भोसड़ी के। कुत्ते के झांड जैसे बाल रखने वाले इस इंसान ने हर गली में एक लड़की पटाई है, भले ही शक्ल से दिखता है। और इसकी ऐसी बातें सुनने के बाद मेरी अंतरात्मा ने भी इससे एक सवाल पूछ लिया। तेरा उठता है रे बड़वे, तेरा उठता है हाफ बिरयानी? नहीं। मतलब यार झूठ बोलो, लेकिन इतना भी झूठ मत बोलो कि झूठ भी कहे तेरी माँ की। बेबी। हाँ। मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ ना? बहुत। प्यार भी करती हो? बहुत ज्यादा। खलाकास को पार्क में हाँ क्यों बोल दिया था? हो न जाए ये तारे जमीन पर। जिसका खुद का शरीर 250 ग्राम का है, जो खुद 9 साल का बच्चा लग रहा है, वो दूसरे को बेबी बोल रहा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। 15 सेकंड की वीडियो में 1500 बार हिल चुका है। अगर गलती से भी कोई इसके घर में पंखा भी चालू कर दो तो ये भोसड़ी वाला उड़कर पड़ोसी के घर में पहुंच जाता है। इस इंसान को देखने के बाद तो नासा वाली भी खोज में है कि इतने खत्म शरीर के साथ ये प्राणी धरती पर जिंदा कैसे है। और भाई लड़की ने भी आकाश को इसलिए हाँ बोल दिया क्योंकि वो भी चाहती है कि तू अपने शरीर का विकास कर ले। एक्सक्यूज मी मैम, क्या आपके पापा ड्रग डीलर है क्या? क्योंकि आपको देखते ही नशा हो गया मुझे। कुछ भी, कुछ भी। इस लॉजिक के हिसाब से तो पक्का तेरे पापा अस्पताल में डॉक्टर होंगे, क्योंकि तू भी हमें किसी कैंसर पेशेंट से कम नहीं लग रहा है। इसे ही बोलते हैं छोटा लंड बुद्धि कम। और इंसान के रूप में टाइपराइटर यहाँ तो के साथ कौन सी एक्सरसाइज करना चाह रहा है? इस तरह किसी लड़की के साथ बात करेगा तो लड़की एक ही चीज बोलेगी, हट बड़वा साला। भोसड़ी को तुम जीने की वजह नहीं, मनुष्य के रूप में धरती पर बहुत बड़ी सजा हो। और अच्छा हुआ इसने सिर्फ चुन नहीं उतारी है, कुछ और नहीं, क्योंकि इस नरभक्षी प्राणी को बिना कपड़ों के देखना हमारे बस की बात नहीं है। और जिस तरह से इसने बिस्तर पर अंग प्रदर्शन किया है, कसम से अगर तुम लोग इसे मार्केट में अकेला छोड़ दो तो ये लौंडों का ही रेप कर लेगा, और अगर लौंडे ना मिले तो खुद का लंड चूस के प्रेग्नेंट हो जाएगा। आज मेरे पास इतने पैसा है, इतने पैसा है कि मैं चुटकियों में
एक पार्ले जी खरीद सकता हूँ। कहाँ से इतने ही पैसों का तेरे अपने कॉन्डम खरीद लिया हो तो जैसा बोका चौदा प्राणी आज हमें देखने को नहीं मिलता। इसके ऐसे लक्षण देखकर तो लगता है कि इसने बचपन में पोलियो की दुबून की जगह मूत की दुबून पी ली थी, जिसका असर अभी भी दिख रहा है। इन जैसे चूतियों को तो जेल में बंद करके मार देनी चाहिए। सुपरमैन की टी शर्ट पहनकर चच्चा अपने आप को सुपर डांसर समझने लगे। अंकल की ऐसी अदा देखकर तो एक बार नोरा फतेही की गांड में भी लखवा मार जाए। आज अगर माइकल जैक्सन जिंदा होता तो वो भी ऐसे डांस स्टेप्स को देखकर एक ही बात बोलता, मजा आया। तो बस यार आज के लिए इतने। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को भी क्लिक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय। सब तेरा न मेरा कुछ, साथ छोड़ो अकेला खुश, गाली देते रहता चुप, काली रातों करता पुश, मेरा दुख बांटे ना आके बांटे मेरा सुख।